दिल्ली में हाहाकार, सुप्रीम कोर्ट में फंस गए केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को लगा दी फटकार। जल संकट बन गया केजरीवाल के लिए काल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली की सातों सीटों पर मिली हार के सदमे से केजरीवाल उभर नहीं पा रहे थे कि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीएम साहब की कुर्सी हिलाकर रख दी है। केजरीवाल सरकार की हरकतें और झूठ पर सुप्रीम कोर्ट के जज इस कदर भड़के कि आम आदमी पार्टी के वकील सिंह भी हैरान रह गए। दरअसल दिल्ली वाले पानी की किल्लत से दिन रात जूझ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार लोगों की समस्या का कोई हल नहीं निकाल पा रही है। और तो और, आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बवाल काटते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सही सबूत और तथ्य पेश करना भूल गए। पानी की किल्लत पर सबूतों में वो कमियां दूर करना भूल गए जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में आदेश दिया था। दोबारा पानी की किल्लत पर हरियाणा के खिलाफ रोना रोना शुरू कर दिया। बस सेम चीजें सुनाई, वही कमियों वाली फाइलें देखकर जज साहब बुरी तरह आम आदमी पार्टी की सरकार पर भड़क उठे और याचिका खारिज करने की चेतावनी तक दे डाली। कोर्ट ने छूटते ही कहा कि कोर्ट को हल्के में ना ले, कितनी भी जरूरी याचिका क्यों ना हो, खारिज करने में वक्त नहीं लगेगा। क्या कुछ कोर्ट में हुआ तो चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को पानी की किल्लत के लिए लगाई याचिका में दोष दूर करने का निर्देश दिया था। कोर्ट को पता चला कि रजिस्ट्री द्वारा याचिका में चलाए गए दोषों को दिल्ली सरकार की ओर से दूर नहीं किया गया है। याचिका में दोष होने के कारण ना तो मामले में स्थित रिपोर्ट दाखिल हो पाई है और ना ही अन्य पक्षों के हलफनामे दाखिल हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कमियों को दूर नहीं किया जिसको देखकर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 12 जून तक के लिए टाल दी है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर गंभीर जल संकट का मुद्दा उठाया है। दिल्ली सरकार ने याचिका में हिमाचल से और हरियाणा से अतिरिक्त जल दिलाए जाने की मांग की है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज इसलिए भी दिल्ली सरकार पर और ज्यादा भड़के क्योंकि कोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया जिस पर कोर्ट ने सवाल किया तो हरियाणा सरकार की ओर से बताया गया कि याचिका के दोष दूर नहीं किए गए हैं, इसलिए रजिस्ट्री ने हलफनामा स्वीकार नहीं किया है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार से कहा कि पिछले सप्ताह ही दोषों की ओर इशारा कर दिया गया था और अभी तक आपने उन्हें दूर नहीं किया गया। कोर्ट ने छुटते ही याचिका खारिज करने की ओर इशारा दे दिया। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वो 137 क्यूसिक अतिरिक्त जल दिल्ली के लिए छोड़ेगी और हरियाणा उसे दिल्ली तक पहुंचाने में मदद करेगा। बावजूद इसके भी दिल्ली सरकार माहौल बनाने में जुटी हुई है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी झूठ फैला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को 7 जून से अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। अपर यमुना रिवर बोर्ड से आदेश का पालन कर 10 जून को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। 10 जून को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में पानी की किल्लत पर बड़ा फैसला सुना सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट सरकार की कमियों पर एक्शन भी ले सकता है क्योंकि केजरीवाल सरकार अपनी तरफ से दिल्ली में पानी की किल्लत की असली वजहों को दूर नहीं कर पा रही है और सारा ठीकरा हरियाणा पर फोड़ दिया है। आए दिन आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठ जाती हैं और पानी की किल्लत के लिए ही बीजेपी पर सवाल उठाती हैं। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली की किल्लत से दिल्ली के लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। बच्चे बूढ़े पानी के टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं। पानी की किल्लत पर राजधानी से आ रही तस्वीरों ने सबको चौंका कर रख दिया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर गंभीर एक्शन ले सकता है। हालांकि अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा और फैसला करेगा आखिर किसकी क्या गलती है और दिल्ली की पानी की समस्या कैसे दूर हो गई। तो इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। घुटनों में, हाथों में, जोड़ों जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। डॉक्टर ने बोला कि गद्दे भी लेट हो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। अठे बैठ जाती, लेट जाती तो फिर वापस नहीं खड़ी हो पाती थी। कितने महीने आप इस बेड पे रहे? 7 महीने तक पड़ी रही मैं। ऐसे नहीं हो पाता था, ऐसे नहीं होगा तो दूध नहीं निकलेगा, वैसे तो ऐसे रहती थी। 5 महीने पहले जब आप बिस्तर पे थी ये कर पा रही थी? अरे मेरे को तो किसी ने सहारा दे दे के उठा उठा के खाना खिलाते थे। जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना वही करके दिखाऊंगी। ये लगभग कितने किलो की होगी? ये 35 के कम नहीं है। तो आप देखिए ये गठरी कितनी भारी है। डॉक्टर ने
तो आपको वजन उठाने के लिए मना कर दिया था। हकीम साहब का एक गोंदशिया ने लिया मैंने, तो मैं तो अपने आप उठ उठ कर काम करवा लगी। तो वो पूछते भी है कि तुमने ऐसी कौन सी दवाई ले ली जो पहले तो तेरे को सहारा मिलता और अब तो खुद सहारा बन गई तू सारा काम का। जो मंजू जी 5 से 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाती थी, एक ग्लास का पानी तक नहीं उठा पाती थी, आज देखिए वो कैसे, ये ताकत है गोंदशिया की 1.5 महीने में। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, अरे आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी।